फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ घर और अभी रात हो गए है, डिनर बनाना है। और एक बात, मैंने ये क्लीन नहीं किया, ये इंडियन नेशनल फ्लैग का ट्राई कलर मैंने क्लीन नहीं किया, क्योंकि मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटी जब थी तब से ये लगाती हूँ, इधर पे आज दोनों ही साइड पे किया, मेरे को तो बहुत पसंद आ रही है, तो इसलिए क्लीन नहीं किया। और वो जगह लालबाग इतना बड़ा जगह था कि घूमते घूमते मैं थक चुकी थी, तो इसलिए रिमूव नहीं किया। करूंगी, रात को सोने के आगे जरूर क्लीन करूंगी, अभी क्लीन नहीं कर पाई हूँ। और रात में खाने में क्या बनाया जाए जो झटपट बनेगा और टेस्टी भी बनेगा, तो आज मैं सोच रही हूँ पनीर मैगी, पनीर मसाला तो हम सभी ने ट्राई किया है, लेकिन आज मैं कुछ ट्विस्ट बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग तो जानते हो मेरे खाने में हर वक्त कोई ना कोई ट्विस्ट रहता है। तो आज क्या ट्विस्ट रहेगा, आज मैं सोच रही हूँ कि यिप्पी पनीर मसाला बनाया जाए। तो कैसा लगेगा मेरा यिप्पी पनीर मसाला, कैसा बनेगा, किस तरीके से बनेगा, तो देखते रहिए मेरे साथ। मैं बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो कैसा लगा मेरा ये ट्राई कलर वाला लुक और मेरा यिप्पी पनीर मसाला, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे बनते हैं यिप्पी पनीर मसाला। यिप्पी पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने इधर पे लिया है पनीर ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में, और ये है स्प्रिंग अनियन, इधर पे मैंने लिया है ऑनियन, ये भी छोटे छोटे पीसेस में मैंने बारीक काट लिया है, और ये है एक टमाटर, उसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, और ये है कैप्सिकम, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, रेड चिली पाउडर, नमक, ये ऑयल, और इधर पे मैंने लिया है थोड़ा सा अचार, ये मेरा होममेड अचार है, अचार देने से ना स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अचार डालूंगी इसके अंदर। और इधर पे मैंने लिया है यिप्पी नूडल्स, ये है 6-in-1 आप पैक, बट हम दोनों के लिए तो दो पैक ही इनाफ है, तो मैं इधर से दो नूडल्स का पैक एंड दो टेस्ट मेकर मैं यूज़ करूँगी। तो चलो देखते हैं। यिप्पी पनीर मसाला के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और अभी डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। और इसको ऐसे चारों तरफ फैला लूंगी। ऑयल गर्म होने के बाद फर्स्ट में ऐड कर रही हूँ ये ऑनियन। ऐसे इसको चला लेना है, इसको फ्राई नहीं करना है, बस सौते कर लेना है, ऐसे कर देना है। इन दिस स्टेज मेरे को ऐड करना है ये कैप्सिकम, कैप्सिकम डालने के साथ ही साथ मेरे को डालना है पनीर। और इसको एक बार चला के जस्ट शैलो फ्राई कर लेना है पनीर को, इसको ऐसे 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। नाउ अभी देखो पनीर तो गोल्डन ब्राउन हो गया, मैंने तो बोला ही फास्ट में शैलो फ्राई करना है। और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी टमाटर, इसको भी थोड़ा सा फ्राई होने के लिए इसे मिला देती हूँ और थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। इस स्टेज में मेरे को ऐड करना है अचार, तो मैंने अचार को डाल दिया, दो ही मैंगो का लिड्स ले लिया और ऐसे अचार को भी मिला दूंगी। इसके
इसके साथ ही साथ मैं ऐड करूंगी पानी। एंड ऐसे मिला लूंगी। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी इप्पी का 2 पैकेट। और मैं ऐड कर दूंगी ये टेस्ट मेकर 2 पैकेट। और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मिला दूंगी। इसको ऐसे मैं अलग कर देती हूँ। हल्की हाथ से करना है, नहीं तो टूट जाएगा नूडल्स, तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। वो लंबा लंबा नूडल्स का स्टिक वो ही बहुत पसंद आते हैं सारे लोगों को। और अभी मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। तो ये हो गया। लास्ट में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा स्प्रिंग और इसको भी मिला लूंगी एक बार। देख लीजिए एकदम सूख गया है ये यिप्पी। और ये ना ज्यादा बॉयल हो गया ऐसा नहीं है, एकदम ठीक ठाक सही है। देखिए अभी मैं सर्व कर दूंगी। ऐसे सर्व कर रही हूँ। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन ऐसे टॉस कर दूंगी और इसके साथ साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा केचप। तो बन गया मेरा इप्पी मैजिक मसाला। कैसा बना है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, पनीर के साथ ही ट्राई कीजिए। और ट्राई करने के बाद कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा इप्पी पनीर मसाला? अगर अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करना। ये ना इतना यम्मी बनता है, एक बार बना के तो देखो। बनाने के बाद मेरे को बोलना कि क्या क्या कमेंट मिला। बना के जिनको भी खिलाओगे ना वो तुमको एक ना एक कमेंट देगा ही, तो कमेंट बनेगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए ये बनाओ ये इप्पी पनीर मसाला और सभी को खिलाओ। और मेरे लिए क्या, मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि और नीचे बेल बटन को भी दबा देना कि मैं जब भी कोई नई रेसिपी पोस्ट करूंगी तो आप लोगों के पास चला जाएगा नोटिफिकेशन, आप देख सकोगे मेरा खाने का ट्विस्ट। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।